सॉरी फॉर इंटरप्शन, अब हम बात कर रहे थे जो ऐसे फैक्ट्स जो सपोर्ट करते हैं या रिबट करते हैं इन्फ्रेंस को, तो मैंने आपके सामने जजमेंट्स पढ़ दी, अब मैं इनको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ कि ऐसे फैक्ट्स जो सपोर्टिंग या रिबटिंग इन्फ्रेंस आर रेलिवेंट एविडेंस, ये तो स्टैचू के अंदर भी लिखा हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ बैंकर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन ए जॉइंट अकाउंट, अगर एक जॉइंट अकाउंट आ गया तो जॉइंट अकाउंट में जो बैंक वाला है उसका ये बयान या कोई भी बयान उसका रेलेवेंट होगा, लेकिन अगर उसकी ये स्टेटमेंट कि क्या जब वो जॉइंट अकाउंट में एक बंदा जो है वो फोत हो चुका है, क्या वो जब आपके पास आया था तो उसकी ये स्टेटमेंट कि उसने मुझसे आके पूछा था कि अगर हम दोनों में से किसी एक के साथ कोई ऐसा काम हो जाता है, यानी कि हादसा हो जाता है, डेथ हो जाती है या कोई भी ऐसा इशू बन जाता है, तो ये प्रॉपर्टी जो है इस दूसरे साथी को ही जाएगी ना, को ही जाएगी ना, ये उसका बड़ा रेलेवेंट है कि वो चाहता था कि ये मेरी प्रॉपर्टी जो है या जो मेरे पैसे हैं ये इसी को जाएं जिसके साथ मैं जॉइंट अकाउंट बना रहा हूँ, या अगर वो पूछता है कि इसको तो नहीं चली जाएगी, मेरे वारसों को जाएगी ना, तो ये बड़ी चीज़ें रेलेवेंट हो जाती हैं। इसी तरह इफ एविडेंस डज नॉट सपोर्ट अ रिबट इन्फ्रेंस, तो ये तो फिर बड़ी आराम से आके दैट इज इन एडमिसिबल। इसी तरह एब्सेंस ऑफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एब्सेंस ऑफ एनी एंट्री पेमेंट इन अकाउंट बुक इज रेलेवेंट, एक लेने देने का मामला आ गया लेकिन जो अकाउंट बुक थी उसमें वो रेलेवेंट एंट्री मौजूद नहीं है, तो ये बड़ी उस केस के लिहाज से ये बड़ा रेलेवेंट है जी। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा साइड पैन के हवाले से। 1998 SCMR 1823 साइड पैन पे हम एक अलहदा से इंशाल्लाह बहुत अच्छा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक लेक्चर तैयार करेंगे, लेकिन अभी हम इस जो आर्टिकल 22 के हवाले से है इसकी रेलेवेंसी वो हम पढ़ लेंगे। कहते हैं जी कि साइड प्लान इज प्रिपेयर्ड ओनली टू एक्सप्लेन और अप्रिशिएट द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड एंड द सेम बीइंग नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द ऑकुलर अकाउंट इन द केस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर हम लोग ये चीज़ करते हैं कि जी ऑकुलर अकाउंट में ये चीज़ें आ गई हैं जी, जो साइड प्लान में जो है वो कंट्राडिक्ट कर रहा है ऑकुलर अकाउंट को, लेकिन देखने की बातें ये हैं कि साइड प्लान का जो मकसद है वो क्या है, वो करता है एक्सप्लेन या किसको, एविडेंस को या जो जायब हुआ है उसको एक्सप्लेन करता है, तो वो कंट्राडिक्ट करवाना आप नहीं करवा सकते। ये 1998 की जजमेंट है जी, SCMR 1823। इसी तरह प्रीवियस एसोसिएशन ऑफ अक्यूज्ड एंड अप्रूवर, अब एक शख्स है वो इस केस में अप्रूवर बन गया, अब अप्रूवर की बात हम चूंकि पिछले लेक्चर में कर चुके हैं तो आपको पता है अप्रूवर कौन होता है, ऐसा शख्स जिसका उस केस में डायरेक्टली वो इन्वॉल्व होता है और वो आके अप्रूवर बन जाता है, विटनेस बन जाता है प्रोसिक्यूशन के सामने। ये वो क्यों बनता है, कैसे बनता है, वो हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो वो क्या होता है, उन जो अप्रूवर है वो आके अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो ये चेक किया जाना कि अप्रूवर के साथ जो मुलजमान है उनका प्रीवियसली भी कोई तल्लक था या नहीं था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो भी रेलेवेंट है। जजमेंट है इसमें AIR 9030 बॉम्बे की है, 157 पेज। इसी तरह असेसमेंट ऑफ वैल्यू प्रॉपर्टी, AIR 1953 कलकत्ता 428 डिवीजन बेंच की जजमेंट है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा केस आ गया कोर्ट में चल रहा है कि जिसमें ये पता नहीं चल रहा कि जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं इस ऑफिस की, बारू एंड फ्रेंड्स लॉ फर्म के इस ऑफिस की क्या मार्केट वैल्यू है, तो वो केस जब कोर्ट में जाता है तो इसके वहाँ पे ये साबित करना कि इसकी क्या वैल्यू है या इसकी क्या रेंटल वैल्यू है, तो वो आप अगर इससे मुलहका जो आबादी है जो उसी रोड के ऊपर सेम नेचर की जो शॉप्स हैं, दुकानें हैं, फ्लैट्स हैं या ऑफिसेज हैं, उनका जो रेंट है या जो उनकी वैल्यू असेस की जाना, ये एक रेलिवेंट चीज़ है जी। AIR 1953 कलकत्ता 428 डिवीजन बेंच की जजमेंट। अब हम बात करेंगे दो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट पे अभी हम ये चीज़ें इस पॉइंट पे डिस्कस करते हुए अब आ गए हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग्स आर पर्सन, इस चीज़ पे अब हम आ गए हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग, तो ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग्स कौन सी चीज़ों की शिनाख्त होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी केस में कोई चोरी होगी, डकैती होगी, कोई बहुत सारी चीज़ें जो लूट के चले गए, जेवर गया, पैसे गए, उसके अलावा कुछ यानी करेंसी नोट्स गए, कुछ घरेलू आर्टिकल्स गए, उसके अलावा कुछ जो है कोई और भी बहुत सारी चीज़ें, वेपन चला गया, कुछ फर्नीचर चला गया, या कोई भी ऐसी चीज़, हर वो चीज़ जो लूटी गई है, जो चली गई है, अगर वो उसकी रिकवरी हो जाती है तो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है कि क्या ये जो मुल्ज़िम से रिकवर हो रही हैं, क्या ये वही चीज़ें हैं, उनकी जो आइडेंटिफिकेशन विटनेसेस से करवाना, जो लोग कहते हैं हमारी ये चीज़ें हैं, जैसे औरतों का, औरतें जेवर को बहुत अच्छी तरीके से पहचानती हैं, लेकिन वो जेवर को तो पहचान सकती हैं लेकिन वही जेवर अगर
तोड़ के उसको छोटा छोटे पीसेज में कर दिया जाए, आगे एक जजमेंट आएगी तो फिर वो औरत भी शनाख्त नहीं कर सकती है। इसलिए ये कह देना कि जी औरत अपना जेवर तो शनाख्त करती है, लेकिन उस जजमेंट के हवाले से है कि अगर वो जेवर को सोने में डाल दिया गया तो सोना तो फिर एक जैसा ही होता है, जेवर तो चलो शनाख्त हो सकता है। इसी तरह करेंसी नोट्स की बात आएगी कि जो करेंसी नोट है अगर वो मार्क्ड नहीं है, उन पर कोई निशान नहीं है, तो वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। इसी तरह कुछ ऐसी चीज़ें कि जिनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, AIR 1952 वेंद्रा प्रदेश 42 1952, CRAJ 986, दो जजमेंट हैं इसमें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन, जो केस प्रॉपर्टी है उसके आइडेंटिफिकेशन को एस्टेब्लिश करे, साबित करे या निगेट करे, दो भी करे, यानी कि जो चीज़ें वो हैं उनको सपोर्ट करे या रिबट करे, कोई आईडी को एस्टेब्लिश करे या ख़त्म करे, उसको एक्सप्लेन करे या इंट्रोड्यूस कराए कोई चीज़, तो वो रेलिवेंट होगी। इसी तरह इसी पॉइंट पे AIR 1959 आंध्र प्रदेश की एक जजमेंट है, 387 पेज है। इसमें उन्होंने कहा जी इफ कोर्ट कैन नॉट बी बिलीव्ड बिकॉज दे वर नॉट पुट फोर्थ फॉर आइडेंटिफिकेशन अंडर आर्टिकल 22 व्हिच अप्लाइज टू बोथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी, आइडेंटिफिकेशन इन कोर्ट इज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस। अब ये बड़ी चीज़ है कि अगर एक चीज़ पुलिस के पास तो आइडेंटिफाई कर ली, लेकिन कोर्ट में जब वो चीज़ पेश की गई उस वक्त वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकी, तो उसकी ज़्यादा उस हिसाब से ज़्यादा वैल्यू आएगी। इसी तरह अगर एक चीज़ पहले कहीं आइडेंटिफाई नहीं हुई लेकिन जब कोर्ट में पेश की गई है तो जो चीज़ रिकवर्ड हुई थी उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, तो ये एक जजमेंट इसकी जो मैंने अभी आपको बताई है उसके लिहाज से ये रेलिवेंट होगी। 1969 PCRAJ 28 डिवीजन बेंच की जजमेंट कहते हैं मेरा शू वाज रिकवर्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ अकरेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक जूता है प्लेस ऑफ अकरेंस से रिकवर हो गया। अब मेरे लिए इस बात पे आप कह देना कि जनाब ये शूज़ जो है ये मुलजम को फिट आता है इसलिए ये इसी का ही है, ऐसी बात नहीं है, वो हो सकता है किसी और को भी फिट आ सकता हो, तो ये इस बात पे नहीं सिंपली जाना आपने जनाब। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी ओनरशिप आप इस बात पे डिसाइड कर लें कि जी ये मुलजम को फिट आ गया, ऐसे नहीं है। इट इज़ मैन दैट बिलोंग्स टू अक्यूज्ड बिकॉज़ इट फिट्स टू अक्यूज्ड, दिस कैन नॉट बी टेकन एज अ प्रूफ ऑफ क्राइम। तो आप उसको जो क्राइम है उसके प्रूफ के तौर पे नहीं ले सकते। AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, 350 नंबर सफा है कि आइडेंटिफिकेशन इन कोर्ट इज आल्सो एडमिसिबल। अगर पुलिस के पास नहीं हुई, कोर्ट के अंदर आके किसी चीज को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो वो भी एडमिसिबल होगी। इसी तरह 1952 CRAJ 986 अक्यूज हिमसेल्फ ब्रॉट द प्रॉपर्टी इन पुलिस स्टेशन, रेलिवेंट है, एक्यूज खुद लेके आ गया, उसके जो उसका ज़मीर है उसने उसको झंझोड़ा और वो चीज़ लेके आ गया जी ये वो चीज़ है, ये फलां चीज़ है जो छीनी थी, जो लूटी थी, मिली थी या कहीं से मैंने ली थी, तो वो भी रेलिवेंट है। इसी तरह 1958 CRAJ 534 पेज, वही बात जो मैंने की थी, ये वो जजमेंट है जिसमें कहा गया कि एक औरत जो है अपने जेवर को आसानी से शनाख्त कर सकती है, लेकिन अगर वो उसी तरह हो जिस तरीके से उस यानी कि उसी शेप में हो जिस शेप में वो उससे लिए गए थे या उसके गए थे, लेकिन अगर वो ऐसे हो जाते हैं जैसे उसको सोने की हालत में डाल दिया जाता है उसको पीसेस में, फिर वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। इसी तरह 1954 CRAJ 1819 और 1953 CRAJ 705 डिवीजन बेंच की दो जजमेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक पे। आर्टिकल रिकवर्स वर ऑफ ऑर्डिनरी यूज बाय ऑल, ये तो आप कॉमन सी बात है, ये मैंने बड़ी आम सी चीज़ है, मार्केट में इजीली मिल सकते। इसकी अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं भी होती तो कहते हैं ये मैटर नहीं करता, ये जस्ट आइडेंटिफाई नहीं होता क्योंकि ये एक आम चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ यानी कि इसमें कोई ऐसी शनाख्त नहीं, कोई निशानी नहीं है, तो ऐसी चीज़ अगर शनाख्त उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं भी होती करवाई जाती तो वो इतनी रेलिवेंट नहीं है इन दोनों जजमेंट्स में। इसी तरह AIR 1955 आसाम की ये जजमेंट है, 2856 पेज है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकवर्ड आर्टिकल शुड बी विदिन नो टाइम अदरवाइज आइडेंटिफिकेशन इज डाउटफुल। एक ही चीज़ जो हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें आपने बार बार देखी है, बार बार चीज़ आती है कि जो टाइम है ना उसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि जो टाइम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस तरह टाइम नहीं मिलना चाहिए कि जनाब वो पता चले कि जनाब इसमें कोई किसी किस्म की कोई ऐसा काम कर लिया गया है कि कोई प्री प्लान्ड हो गया, कोई मेलाफाइडी के साथ इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, तो टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है इसमें। अब जो रिकवरी विटनेस होते हैं वो सबसे अच्छे विटनेस होते हैं किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। AIR 1950
ऑल 615 की जजमेंट है। करेंसी नोट्स के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है 1958 CRLJ 534 डिवीजन बेंच की जजमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि करेंसी नोट जो है ये आइडेंटिफाई नहीं हो सकते जब, क्योंकि ये आर्टिकल ही ऐसा है, लेकिन अगर उस पर किसी किस्म की स्पेशल मार्किंग है तो फिर वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं और उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो एडमिसिबल होगी, अदरवाइज बेनिफिट ऑफ डाउट। अब मिक्सिंग ऑफ आर्टिकल्स टू बी आइडेंटिफाइड, AIR 1961 ऑल 614 कि मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट आर्टिकल ऑफ सेम नेचर इज रिक्वायर्ड। अब इस तरह भी जब आपने शिनाख्त करानी है, चीजें पकड़ी गई हैं, फर्ज करें एक मोटरसाइकिल गड़बड़ हो गया, आपने चार पांच मोटरसाइकिल खड़े कर दिए, ऐसा नहीं है क्योंकि अगर एक बंदा आता है वो कहता है जी ये मेरा ही मोटरसाइकिल है, अब हो सकता है वो कहे जी मेरा तो चोरी हो गया, जो मिलता है ले लो, ऐसे नहीं। आप उससे आइडेंटिफाई कर अगर करवाने जा रहे हैं तो दो तीन चीज़ें, दो तीन चार पाँच दस मोटरसाइकिल खड़ी करें, उसमें से कहें भैया अपना शनाख्त कर लो, फिर अगर वो शनाख्त करता है और करेक्टली शनाख्त करता है तो वो एडमिसिबल होगी और रेलिवेंट होगी। अब एक और बड़ी बात है कि अगर चीज़ें मिक्स नहीं की जाती तब भी रिकवरी जो है वो निल नहीं हो जाती, उस आर्टिकल की आइडेंटिफिकेशन एक समथिंग एल्स, लेकिन जो रिकवरी हुई है वो निल नहीं होती। ये है 41 CRLJ 158 पेज। अब ये तो जितनी बातें हमने की हैं, जितनी जजमेंट्स हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए थिंग के बारे में, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में। अब हम बात करेंगे जब शनाख्त की बात आ गई है, अब बात चीज़ों से चल के इंसानों पर आ गई है, इंसानों की शनाख्त जो है, किसी मुल्ज़िम की शनाख्त करना, किसी क्रिमिनल की शनाख्त करना, अब उस पर हम बात करेंगे कि वो किस हवाले से और वो उसमें कितना इंपॉर्टेंट है। अब हमने काफ़ी लंबा टॉपिक डिस्कस कर लिया, अब हम इस पर आइंदा जो यानी कि अभी हम जो नेक्स्ट हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन पीरियड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफिकेशन पीरियड होती ही क्या है, शिनाख्त होती क्या है, इस लेक्चर में हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे कि जनाब जो है वो क्या, जो शिनाख्त है वो क्या होती है, कब एडमिसिबल है कब एडमिसिबल नहीं है, और ये कैसे एक प्राइम की है टू सॉल्व सच केसेस कि जिसमें मुल्ज़मान जो होते हैं वो ऑलरेडी विटनेसेस की पहचान में नहीं होते, लेकिन विटनेस क्लेम करता है कि अगर मुल्ज़िम मेरे सामने आ जाए, अक्सर FIRs में आपने पढ़ा होगा कि जनाब मैं उसको शनाख्त कर लूँगा, तो फिर इस तरह के केसेस में आइडेंटिफिकेशन पीरियड जो है उसकी क्या वैल्यू है, आइडेंटिफिकेशन पीरियड कराने का क्या तरीका है, आइडेंटिफिकेशन पीरियड है क्या चीज़, ये सारी इसकी लीगल वैल्यू क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, इसका स्फेयर क्या है, ये कब और क्यों इंपॉर्टेंट होती है, और ये क्या जो कानून की नज़र में ये इतना इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है, ये बहुत ज़रूरी है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो कब है, और फिर इसका प्रोसीजर क्या है, इसकी एडमिसिबिलिटी क्या है, और ये किसकी प्रेजेंस में होनी चाहिए, कौन करवाएगा, कहाँ होगी, कैसे होगी, तरीकाकार क्या होगा, ये सारी बातें अब इसमें मैं आपको जो बताऊँगा, आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है कि इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद जो है आइडेंटिफिकेशन पीरियड में आपको मैं एटलीस्ट कोशिश करूँगा 50 प्लस जजमेंट्स जो हैं मेन पॉइंट्स पे दे दी जाएं। पॉइंट्स जो हैं ये आपने जब ये लेक्चर आप सुनेंगे तो आप कोशिश किया करें एक कागज़ और एक पेन अपने पास रखा करें और उन पॉइंट्स को नोट किया करें। बाज़ दोस्त जो हैं वो लैपटॉप के अंदर भी ये नोट्स ले सकते हैं, अपने टैब पर ले सकते हैं, लेकिन नोट्स लाजमी लिया करें। अब मैं जैसा कि हमने एक तरीका कर रखते हैं तो ये चूंकि एक स्पेसिफिक चीज़ है तो इसमें हम दूसरे लोग जो है यूरोपियन कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका या जो भी दूसरे ममालिक हैं उन मेन चीज़ों को कैसे लिया जाता है, तो मैं थोड़ा सा जैसा कि हम आपको पता है कि इस लेक्चर में या आपकी बेहतरी के लिए आपको चीज़ पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स से भी कंसल्ट करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उसमें से रिसर्च करते हैं। इस लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया कि 120 के करीब हमने जजमेंट्स जो हैं इसमें मेंशन किए हैं, जबकि 300 प्लस हमने बल्कि इससे भी ज़्यादा होंगी जो हमने पढ़ी हैं और जिनको हमने थ्रेश आउट किया है, उनमें से जो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो बार बार उन जजमेंट्स में रिपीट हो रहे थे वो आपके सामने ला के रखे हैं। अब जी मैं इसमें आइडेंटिफिकेशन पीरियड की जो डेफिनेशन है उस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन पीरियड होती क्या है जी। अमेरिकन इंग्लिश में इसको कहते हैं पुलिस लाइनअप, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको कहते हैं आइडेंटिटी परेड, दोनों ममालिक में ये अल्फाज यूज होते हैं। ये पुलिस लाइनअप और आइडेंटिटी परेड इज ए प्रोसेस बाय विच अ क्राइम विक्टिम और विटनेसेस
putative identification of a suspect is confirmed to a level that can count as evidence at trial. यानी कि इस लिहाज से उनको जो विटनेस हैं उसको जज किया जाता है या जो विक्टिम है उसको उनकी एविडेंस जो है मुजरिम की शिनाख्त के हवाले से उसको चेक करने के लिए क्या इन्होंने प्रॉपरली उसको आइडेंटिफाई किया, ये एक प्रोसेस रखा गया है जी। इसमें होता क्या है कि इनमें इन्होंने जो लिखा है जी, मैं शॉर्टली से पढ़ देता हूँ आपके लिए। द सस्पेक्ट अलोंग विद सेवरल फिलर्स और फाइल्स, फिलर्स और फाइल्स हमारे यहाँ एक टर्म यूज होते हैं डमी, एक जैसे लोग डमी खड़ा कर देना, अगर एक मुल्जम है तो सात नौ लोग दूसरे खड़े कर देना और फिर आगे गवाह को कहना कि इनमें से शिनाख्त करो। अब वो आगे पढ़ेंगे हम जजमेंट्स के साथ कि वो डमीज जो होनी चाहिए तो फिर कैसे होनी चाहिए, ये इनको फिलर कह रहे हैं या फॉइल्स कह रहे हैं, और उनके जो सिमिलर जो उनकी हाइट सेम हो, उनकी जो फिजिक सेम हो, कम्प्लेक्शन सेम हो, वो कहाँ से लोग ले सकते हैं आप? वो कहते हैं जी कि ये वहाँ का लाया, उसमें कह रहे हैं मे बी प्रिजनर एक्टर पुलिस ऑफिसर और वॉलंटियर साइड बाय स्टैंड साइड बाय साइड बोथ फेसिंग एंड इन प्रोफाइल। द लाइन ऑफ समटाइम टेक प्लेस इन रूम फॉर द पर्पज वन विच में फीचर है वन वे मिरर टू अलाउ। इसमें बाज़ूकात ऐसा होता है कि बहुत सारे खतरनाक क्रिमिनल जो है उनकी शिनाख्त परेड करते वक्त वो कहते हैं जी कि आप उनके दरमियान में एक ऐसी एक ऐसा मिरर होना चाहिए जो वन वे होना चाहिए जिसमें अंदर बैठे शख्स को जो मुलजम है उनको ना पता चले कि बाहर कौन सा गवाह है जो हमें शिनाख्त कर रहा है या कौन से हमें आइडेंटिफाई कर रहा है, ये उनका सिस्टम है। हमारे यहाँ तो यहाँ पे बड़ा वाजिब सिस्टम है, ऐसा होता है बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन जब हमारा विटनेस जो है उसमें कोर्ट में आना है उसका नाम बल्दियत एवरीथिंग, यहाँ पे तो अभी उस तरीके का सिस्टम हम लोग नहीं बना पाए कि जो विटनेस प्रोटेक्शन है उसके हवाले से कोई इस लिहाज से। इसी तरह इसीलिए तो रोज़ हमारे यहाँ ऐसा होता है कि विटनेस जो है उनको कोर्ट से आते हुए कोर्ट की तरफ जाते हुए थानों में जाते हुए थानों से आते हुए इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करने जा रहे हैं आ रहे हैं विटनेसेस वो उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वो रोड पे मर्डर हो रहे हैं, कभी दो गवाह मारे गए कभी चार गवाह मारे गए, ये हमारे मुल्क का आलमी है। लेकिन यह उन लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी हद तक बेहतर कर लिया और इंशाल्लाह हम लोग भी इसमें काफ़ी हद तक इसको बेहतर कर लेंगे। इसमें मैंने ना एक हिस्ट्री दी है ऑफ लाइन अप ऑफ विटनेसेस, यानी कि ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, फर्स्ट टाइम कब हुआ था, कौन ज्यूरिस्ट था जिसने ये एक कंसेप्ट है वो दिया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपके लिए लिखा है जी, लेकिन इसको चूंकि यहाँ पे इसको ज़्यादा सारा एक्सप्लेन करना आपके हवाले से चूंकि सिर्फ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना रेलिवेंट है, लेकिन प्रीवियसली हिस्ट्री वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हिस्ट्री जो है इस लेक्चर में हमने दी गई है, जब आप ये सॉफ्ट कॉपी हमसे हासिल करेंगे तो इसमें ये डिटेल सारी आपको मिल जाएगी। वैसे शॉर्टली से मैं पढ़ता हूँ कि ये कहाँ से शुरू हुआ था। स्टडी ऑफ सिक्वेंशियल लाइन अप इज फार फ्रॉम बींग फिनिश्ड एंड देयर इज स्टिल मच लेफ्ट टू प्रूव, देयर आर मेनी अदर वेज sequential lineup still need to be studied and Gallival is not finished with his research regarding sequential lineups. The New York Times reported that Wells will continue his research by continuing to examining the data gathered to gauge the level of certainty of witness and the effect of factors like cross racial identification on accuracy. यानी कि वो अभी तक लोग रिसर्च करते आ रहे हैं कर रहे हैं कि किस तरीके से ज्यादा से अच्छे तरीके से सिस्टम को बेहतर करें, आइडेंटिफिकेशन का पुलिस लाइनअप सिस्टम जो है इसको आइडेंटिटी परेड का सिस्टम इसको मजीद बेहतर करें ताकि कम से कम जो है वो कोई ऐसा कभी कोई वाकया हो कि किसी मासूम को सजा हो जाए और कोई क्रिमिनल जो है वो बच जाए। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी में कहते हैं जी, अ लाइन ऑफ पीपल हु स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर व्हाइल समवन ट्राइज टू आइडेंटिफाई One of them as the person who has committed a crime. वहाँ का थोड़ा सिस्टम अलग ऐसा है, वो हमें कुछ तस्वीरों से भी आइडेंटिफिकेशन करवा लेते हैं, ये कि हमारे यहाँ थोड़ा सा निज़ाम डिफरेंट है। अब मैं इसमें जनाब इंपॉर्टेंट जजमेंट जो हवाले हैं वो जजमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। आइडेंटिफिकेशन प्रेस किस कानून के तहत कैसे होती है ये जजमेंट, किस कहाँ से ये एक तरीका कर लिया गया, तो ये है जी वॉल्यूम 3 चैप्टर 11 पार्ट सी ऑफ लोअर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर। जो लोअर हाई कोर्ट ने रूल्स एंड ऑर्डर बनाए हैं उनका कौन सा जी वॉल्यूम 3 है चैप्टर 11 है और पार्ट सी है। अब इसका पर्पस क्या है शिनाख्त का, मैंने आपको पहले बता दिया चेक करना वेरेसिटी ऑफ द एविडेंस गिवन बाय द विटनेसेस एंड सेकेंडली एज वेल एज इंपॉर्टेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसका स्टेटस चेक करने के लिए भी, वेदर इट इज के क्या ये दुरुस्त रास्ते पे जो तफ्तीश है वो चल रही है या नहीं या गलत सिमत पे जा रही है। इट इज आल्सो चेक अगेंस्ट फॉल्स इंप्लीकेशन, फॉल्स इंप्लीकेशन के हवाले से, एंड आल्सो सर्व एज ए पीस ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द रियल कल्प्रिट्स।
यानी कि फॉल्स इंप्लीकेशन के हवाले पे भी अगर ये चेक है तो दूसरी साइड पे ये विटनेसेस पे भी चेक, सॉरी एक्यूज पे भी एक चेक कि कोई गलत आदमी बच नहीं जाना चाहिए। 2008 पीसीएलजी 831 और पीएलडी 2004 कराची 319 बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आई इस टॉपिक पे जो पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन पीरियड है उस पे कहते हैं देयर आर सर्टेन प्रिकॉशंस एंड प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन फॉर कंडक्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन पीरियड। बहुत सारी ऐसी चीजें असूल तय कर दिए, जवाबत बना दिए गए, अगर आप उन पे नहीं चलते हैं तो फिर उस आइडेंटिफिकेशन पीरियड की कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज नॉट एन वाइड, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, एविडेंशियल वैल्यू उसकी नल हो गई। तो जब अगर आपने एविडेंस देनी है तो फिर उसको आपने आइडेंटिफिकेशन पीरियड को अगर एज एविडेंस लाना है, उस पीस ऑफ एविडेंस बनाना है उसको ट्रायल में, तो फिर उसका एक बड़ा एक प्रोसीजर जो है वो आपको अडॉप्ट करने का पड़ेगा। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नेक्स्ट कि अगर डिलेड आइडेंटिफिकेशन पीरियड है, डिलेड आइडेंटिफिकेशन पीरियड से मुराद ये है, ये नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल मुल्जम पकड़े गए अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड 10 दिन से वो बेचारे जेल में है, या 7 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन से वो जेल में है, रिकॉर्ड का हिस्सा है ये चीज, तो इस तरह का जो डिलेड जो होगी उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। पीएलडी 1981 सुप्रीम कोर्ट 142 बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसमें बड़ी डिटेल और वजाहत के साथ तमाम तरीका कर समझाया गया इस पॉइंट पे। तो डिले के हवाले से बात आ गई। इसी तरह जॉइंट आइडेंटिफिकेशन पीरियड, ये जजमेंट्स पहले मैं आपको लिखवा दूं या बोल देता हूं फिर आप इसको नोट कर लेना। 2017 एससीएमआर 1189, सेकंड है पीएलडी 1981 सुप्रीम कोर्ट 142 जो पहले बताई है, थर्ड है 2008 एससीएमआर 1210 1210, फिर है जी 2010 एससीएमआर 1199 1189, फिर दोबारा वो रिपीट हो गई 2011 एससीएमआर 537 2011 एससीएमआर 527, ये ऑलमोस्ट 5 जजमेंट बनती हैं जो इस बात पे हैं, जो निगेट करती हैं, जो इस चीज को बिल्कुल कहती हैं कि जो आइडेंटिफिकेशन पीरियड है वो जॉइंट नहीं होनी चाहिए कभी भी। मसलन जॉइंट आइडेंटिफिकेशन पीरियड से क्या मुराद है, यानी कि एक ही बार में एक ही दफा 5 मुल्ज़िम है, पांचों को इकट्ठा खड़ा कर दिया, साथ में 10 बंदे दूसरे खड़े कर दिए, 15 बंदे खड़े कर दिए, 5 बीच में वो 10 डमीज, ये होगी जॉइंट आइडेंटिफिकेशन पीरियड। सिंगल गो में होनी चाहिए ये जजमेंट, सब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें कि अगर जजमेंट अगर 5 मुल्ज़िम है तो 5 दफा वो प्रोसेस रिपीट होना चाहिए, पहले एक को लाओ उनके साथ डमीज खड़े करो, वो पूरा आगे वो भी आएगा कि डमीज कैसी होनी चाहिए, उनकी क्या तरतीब होनी चाहिए, फिर उसको साइड पे ले जाओ, दूसरे को ले आओ, फिर वही प्रोसेस करो, फिर ये अगर 5 है तो 5 प्रोसेस, 10 है तो 10 दफा ये प्रोसेस करना है। अपनी जान छुड़ाने के लिए आपने ये नहीं करना कि जॉइंट आइडेंटिफिकेशन कर दो फाइनल फारग। ये जो 5 जजमेंट्स बताई हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सख्ती से इस पॉइंट करती हैं कि अगर जॉइंट आइडेंटिफिकेशन पीरियड है उसकी कोई वैल्यू नहीं है इन द आई ऑफ लॉ। अब एक और चीज, अब मैं पॉइंट टू पॉइंट इसको आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो रोल डिस्क्राइब ड्यूरिंग आइडेंटिफिकेशन पीरियड, गवाह बता ही नहीं पाए कि इस मुल्ज़िम का रोल क्या था, गवाह नहीं बता रहे, बस कह रहे हैं ये भी था ये भी था ये भी था ये भी था फला भी था ये भी था, ये नहीं बताया किसने गन किसके हाथ में थी, कौन कहां पे खड़ा था, फायर किसने किया, बचाने की कोशिश किसने की, जो ललकारा किसने मारा, चीजें उठा के कौन भागा, ये चीजें नहीं बताई, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। कैसे डिसाइड होगा जी कि कौन से मुल्ज़िम का क्या रोल है, कैसे टू शिफ्ट ग्रेन फ्रॉम चेफ, कैसे चीजों को हमने अलग करना है। अब अगर एक फायर है 10-20 बंदे हैं तो सबको जो है वो हैंग करना तो नहीं है, वो पता नहीं क्यों आए थे, जो बाकी लोग हैं उनकी क्या वैल्यू है, एक की क्या वैल्यू है, जिसने मारा है उसकी क्या था, उसके पीछे लॉजिक क्या था, मोटिव क्या था। तो इसमें पहले मैं आपको जजमेंट्स लिखवाता हूँ, ये ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट की ये कोई 12 से लेकर जनाब 15 की जजमेंट है। 2017 एससीएमआर 1546, 2017 एससीएमआर 135, 2016 एससीएमआर 1426, 1985 एससीएमआर 721, 1998 एससीएमआर 557, 1992 एससीएमआर 2088, 1995 एससीएमआर 127, 2008 एससीएमआर 302, 2008 एससीएमआर 1221, 2011 एससीएमआर 537, 2011 एससीएमआर 563, 2012 एससीएमआर 522, ऑलमोस्ट 12 के करीब ये जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की हैं सारी, नो रोल के हवाले से, जब रोल नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ डमीज, 2011 एससीएमआर 769, इस पॉइंट पे मैं आपको बताता हूं कि वो क्या है कि जी जो डमी है जिनको खड़ा किया गया उनका बताया नहीं गया कि वो कैसे लोग थे,
मुलजम के साथ उनकी फिजीक मिलती थी, मुलजम की तरह उनके बाल थे, मुलजम अगर क्लीन शेव है तो वो क्लीन शेव थे। अब शेव की बात आ गई है तो आज आपने मेरी जो है वो देखा होगा कि जनाब फ्रेंच कट लुक है, तो ये थोड़ी सी हमने चेंज लाई है आप लोगों के लिए। तो इसमें ये वो बात मैं कर रहा हूँ कि हाइट, फिजीक, फीचर, कम्प्लेक्शन, अपीयरेंस, ड्रेस ऑफ डमीज, एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन वेदर द अक्यूज्ड पर्सन एंड डमीज आर सिमिलर इन नेचर, अगर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन जो है उस रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, उस प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं है, साइन नहीं किए मजिस्ट्रेट साहब ने, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं लिखी, उनके कपड़े कैसे थे, इवन यहां तक भी है कि अगर मुलजम दाढ़ी वाला है तो सारे दाढ़ी वाले होने चाहिए, अगर मुलजम क्लीन शेव है तो सारे क्लीन शेव होने चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपने एक्सप्लेन नहीं की अपनी कार्रवाई में, तो जो मजिस्ट्रेट साहब गए हैं उन्होंने इस आइडेंटिफिकेशन पीरियड का सारा सिस्टम जो है उसका उसको फ्लॉप कर दिया। 2011 SCMR 769। अब कैसे जी, PLD 9061 कराची 728, 9069 PCRJ 1317 और 9072 PCRJ 310 कहते हैं accused should have intermingled with a stranger in the proportion approved by the superior court। ये जो तीन जजमेंट्स मैंने बताई हैं, इनमें तीन जजमेंट